हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोवा मोन स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट, उसमें मेरी कोड चैप्टर नंबर 9, यूनिट 9। हमारा यूनिट 9 है क्लाउड्स। सो फ्रेंड्स, क्लाउड का मतलब होता है बादल। तो चलिए ये पोएम पढ़ते हैं। इट इज व्हाट द स्काई इज ब्लू, a little cloud comes looking for you, more clouds come, they bring rain, sing and dance, it's cool again। so friends, it is hot, इसका मतलब था गर्मियों का सीजन चल रहा था। the sky is blue, और आसमान नीला था। a little cloud comes looking for you, और एक छोटा सा बादल है वो हमारी तरफ देख रहा था। more clouds come, कई सारे बादल पास में आ गए। they bring rain, और वो सब बारिश लाए। sing and dance, गाइए और नाचिए। it is cool again, फिर से यहाँ पे ठंडक हो गई है, cool हो गया है कि पूरा पूरा का पूरा वातावरण environment हमारा। जो फ्रेंड्स हमारा बादल है जो बारिश लाते हैं, जो गर्मियों के सीजन के बाद हमारे जो बारिश का मौसम आता है उसमें जो आसमान है वो नीला हो जाता है, स्काई है वो ब्लू हो जाता है। देखिए यहाँ पर पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे न्यू वर्ड्स है ब्रिंग यानी लाना, क्लाउड्स यानी बादल, कूल यानी ठंडा, डांस यानी जो नृत्य, हॉट यानी गर्म, रेन यानी बारिश। चलिए लेट्स रीड। इट इज अ हॉट डे, इट इज अ रेनिंग टूडे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई, स्काई का कलर क्या था। द स्काई इज ब्लू। व्हाट डू द क्लाउड ब्रिंग, तो क्लाउड क्या लेकर आए, तो क्लाउड ब्रिंग रेन, वो बारिश लेकर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक। व्हाट इज द कलर ऑफ द क्लाउड्स दैट ब्रिंग अस रेन, जो क्लाउड थे उनका कलर कैसा था जो बारिश लेकर आते हैं। तो जो क्लाउड है उसका कलर ब्लैक होता है, ब्लैक क्लाउड ही बादल को लाते हैं। डू यू लाइक टू सिंग एंड डांस इन द रेन, क्या आपको डांस और गाना पसंद है, यानी कि बारिश के समय आपको नाचना कूदना गीत गाना पसंद है। अगर आपको पसंद है तो आपको यस लिखना है यहाँ पे। व्हाट कीप्स यू ड्राई इन द रेन, आप बारिश के समय क्या भिगाना नहीं चाहते, सूखे रहना चाहते हैं। व्हाट कीप्स यू ड्राई, ड्राई यानी सूखा रहना, बारिश के दरमियान क्या आप सूखा रहना रखते हैं। चलिए आगे, लेट्स शेयर। व्हाट डू यू लाइक टू डू व्हेन इट्स रेन, जब बारिश होती है तब आपको क्या लगता है, आप क्या करना चाहते हैं। स्टे इन के गो आउट, घर में रहना चाहते हैं, बाहर तो हम बाहर जाना चाहेंगे। उसके बाद डू यू लाइक पडल्स, क्या आपको पडल्स पसंद है। द अदर सीजन इन इंडिया आर हॉट एंड कोल्ड, डिस्क्राइब इन योर लैंग्वेज विच सीजन यू लाइक द बेस्ट, नाउ कैन यू से दिस इन इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर हमारे यहाँ पे गर्मी, सर्दी, बारिश, ये सभी जो सीजन होती है, तो आपको कौन सी सीजन ज़्यादा पसंद है आपको वो लिखना है आपकी भाषा में। चले फ्रेंड्स, ट्रेस द अलोंग डॉट्स, यहाँ पे आपको डॉट को ट्रेस कर देना है, यानी कि ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो अम्ब्रेला है उनको आपको ट्रेस कर देना है, अपने टेक्स्ट बुक में कर दीजिएगा। चलिए आगे, से अलाउड, यहाँ पे हमें जो वर्ड दिए गए हैं जो राइमिंग वर्ड वो हमें बोलने हैं, जैसे कोट डॉट हॉट पोट, क्राई ड्राई फ्लाई स्काई, ड्रेन ग्रेन पेन रेन, ब्रिंग रिंग सिंग और विंग। चले फ्रेंड्स आगे है, मैच द वर्ड विच द पिक्चर, यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं हमें मैचिंग करना है। पहला वर्ड है रेन, रेन का मतलब होता है बारिश। तो देखिए आपको जो तीसरा यहाँ पे पिक्चर है उसके साथ हम ज्वाइंट करेंगे इसको। देखिए तीसरा पिक्चर है यहाँ पे आएगा रेन, उसके बाद चिल्ड्रन डांसिंग, तो चिल्ड्रन डांसिंग नीचे हो गए, देखिए यहाँ पे है, तो हम डांस ऐसे करेंगे। फिर चिल्ड्रन सिंगिंग, तो यहाँ पे सिंग करेंगे। फिर क्लाउड्स, तो क्लाउड है वो पहला जो दूसरा है पिक्चर,
वो क्लाउड्स का है, तो आपको यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर देना है क्लाउड्स। उसके बाद है द स्काई, स्काई यानी आसमान, तो जो पहला वाला पिक्चर है वो स्काई का है, इसलिए यहाँ से आपको ज्वाइंट करना है पहले में। चलिए आगे, लेट्स रीड एंड राइट। यहाँ पे एम एन ओ पी क्यू और आ ये वर्ड आपको दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको एम कहते हैं, एन ओ पी क्यू और आर, इन सभी वर्ड को आपको यहाँ पे ट्रेस कर देना है, लिख देना है ओ पी क्यू आर ऐसे, एम एन ओ पी एन है क्यू आर, इन सबको यहाँ पे आपको लिख देना। देखिए पूरे के पूरी लाइन आपको सबको भर देनी है यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक। आई कैन रीड माय नेम, मैं मेरा नाम है वो पढ़ सकता हूँ। यहाँ मैं मेरा नाम लिखूंगा, तो मेरा नाम भरत है, तो मैं ऐसे यहाँ पे लिखूंगा, आपको आपका नाम लिखना है। उसके बाद आई एम, तो मैं जितने साल का हूँ इतना साल का लिखना है। आप 6 ईयर के हो गए तो आपको लिखना है 6। आई कैन राइट माई एड्रेस, तो मेरा एड्रेस यहाँ पे है पटेल पार्क बिहाइंड नवा मोनी स्कूल, ऐसे आप लिख सकते हैं अपना एड्रेस। आई कैन काउंट टिल, मैं काउंट कर सकता हूँ, कहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं वो यहाँ पे लिखना है 10, 12, 13, 14, 15, जितना काउंट कर सके उतना। माई टीचर नेम इज, आपके टीचर का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। आई स्टडी इन क्लास, कौन से क्लास में है आप, फर्स्ट। नेम ऑफ माई स्कूल इज नवामोनी, यहाँ पे आपको लिखना है। और इट इज इन जामनगर सिटी, कहाँ पे है तो आपको लिखना है जामनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब स्टोरी देखते हैं आनंदीस रेनबो, आनंदी का रेनबो। एंजॉय दिस नेचर स्टोरी, नेचर स्टोरी को हम देखते हैं। इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, आनंदी वॉज फास्ट अस्लीप ड्रीमिंग ऑफ रेनबोज। सो बाहर है वो भारी बारिश हो रही थी, आनंदी सो रही थी और रेनबो का सपना देख रही थी। ड्रीमिंग, ड्रीमिंग यानी सपना देखना, रेनबो जो हमारा मेघधनुष होता है उसका सपना देख रही थी। शी वॉक अप टू लुक आउट ऑफ हर विंडो, वो खड़ी हुई और अपने घर के बाहर जो उसकी जो विंडो थी, खिड़की थी, उसके बाहर उसने देखा। देयर वॉज अ ह्यूज ब्राइट रेनबो अक्रॉस अ क्लियर ब्लू स्काई, वहाँ पे एक बड़ा सा रेनबो था, बड़ा सा रेनबो है वो, जो क्लीन आसमान था, ब्लू स्काई यानी जो ब्लू कलर का हमारा स्काई है उसमें क्लियर दिख रहा था रेनबो। आनंदी रन आउट टू द गार्डन विथ मिली, आनंदी है वो मिली के साथ गार्डन में बाहर आई। मिली कौन थी, हर फेवरेट कैट, उसकी पसंदीदा कैट थी, वो उसके साथ बाहर निकली। देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं वो बाहर निकलती है। आनंदी लव टू ड्रॉ, आनंदी को ड्राइंग पसंद था एंड पेंट, पेंट और ड्रॉ उन्हें पसंद था। टुडे शी वॉन्ट टू पेंट द फ्लावर्स टू हर गार्डन विथ द कलर्स ऑफ द रेनबो, आज वो अपने गार्डन के जो फूल थे, फ्लावर्स यानी फूल है, उनको कलर करना चाहती थी रेनबो के कलर के अनुसार, यानी कि गार्डन के जो फूल है उसको वो कलर करेगी और रेनबो का जो कलर है वैसा ही वो कलर करेगी। शी कलर्ड वन फ्लावर विथ द वायोलेट एंड अनदर विथ द इंडिगो ऑफ द रेनबो, तो उसने एक फ्लावर में वायोलेट कलर लगाया, दूसरे में इंडिगो कलर लगाया। वन विद द ब्लू एंड लीव्स विद द ग्रीन, वन विद द ऑरेंज, एक में उन्होंने ब्लू कलर लगाया, एक में ग्रीन कलर लगाया और एक में ऑरेंज। वन विद द रेड, और एक रेड कलर का फ्लावर बना दिया। देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बट सी लेफ्ट द येलो सो दैट द सन मे लुक ब्राइट एंड गे, तो उन्होंने
येलो कलर था वो भूल गई थी, इसलिए उन्होंने सन के सामने देखा तो ब्राइट और ग्रे था। एंड लो देयर वेयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑल ओवर द गार्डन, द सन वॉज अप देयर शाइनिंग इन इट इज येलो ग्लोरी। और उसके बाद जो गार्डन के सभी फ्लावर थे वो कैसे ब्यूटीफुल सुंदर दिखने लगे थे, और जो सूरज था वो भी अपनी येलो कलर से शाइनिंग दे रहा था। देखिए पिक्चर में फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, आफ्टर गिविंग कलर टू द फ्लावर द सन द रेनबो वॉज गोन, यानी कि जो कलर था वो करने के बाद, फ्लावर के कलर आने के बाद जो सूर्य और रेनबो, जो सूरज और रेनबो यानी मेघधनुष ये दोनों चले गए। चलिए न्यू वर्ड्स यहाँ पे है ब्राइट, फेवरेट, इंडिगो। इंडिगो कलर कैसा होता है आपको दिखाई दे रहा है, ब्लू जैसा, इनसाइड आउटसाइड, रेनबो और वायोलेट। चलिए लेट्स रीड, अ रेनबो हैज सेवन कलर्स। सो फ्रेंड्स रेनबो के सात कलर होते हैं, सेवन कलर यानी सात कलर का रेनबो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रीडिंग इज फन। What did Anandi see outside her window? Anandi ने घर के बाहर क्या देखा? So आप ऐसे लिख सकते हैं कि Anandi ने घर के बाहर रेनबो देखा। Anandi see outside her window a huge bright rainbow across clear blue sky। आप ऐसे लिख सकते हैं। Was she happy to see the rainbow? क्या वो खुश थी रेनबो को देखकर? Yes, she is। What are the color of the rainbow? Rainbow के color कौन कौन से थे? तो yellow, red, green, violet, blue, ये सब rainbow के color थे, indigo। Let us talk। Have you ever seen a rainbow? क्या आपने कभी rainbow देखा है? अगर देखा है तो आपको yes लिखना है, नहीं देखा है तो no। When do you see a rainbow in the sky? क्या आपने rainbow आकाश में देखा है? तो जी हाँ, yes। Let's share. Go outside and look at the cloud. बाहर जाइए और बादलों को देखिए। What shapes do you see in the cloud? Cloud यानी बादल में आपको कौन कौन से शेप दिखाई देते हैं? Come inside and draw what you saw. उसके बाद आपको घर के अंदर जाना है और उसके बाद जो बादल है उसका ड्राइंग बनाना है। Now describe your drawing in your friend in your own language and then in English। उसके बाद आपको आपके फ्रेंड के साथ उसकी बातचीत करनी है, तो फ्रेंड्स आप ये एक्टिविटी घर पे कीजिएगा। चलिए से अलाउड, फेस फील्ड, फाइंड फ्लाई, फूड बैक, बॉल बैट, बिग बॉट, लैम लेग, लेट लिटल, लॉग हेट, हैव हर हाउस और हट। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेट्स डू लुक एट द पिक्चर बिलो। सर्कल द नेम ऑफ थिंग्स दैट यू कैन सी इन द पिक्चर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पिक्चर एक दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर आप जो भी इसमें आपको दिखाई दे रहा है उस पर आपको सर्कल कर देना है। तो देखिए पहली तो यहाँ पे हमें अम्ब्रेला दिख रही है, तो ये अम्ब्रेला, उसके बाद रेन ड्रॉप्स, कैट, हाउस, उसके बाद पडल, बोट, बोट नहीं है यहाँ पे, सॉरी पेपर बोट है फ्रेंड्स। देखो नीचे यहाँ पे आपको पेपर बोट दिखाई दे रही है, बोट, मड भी है, सन है, रोज है, यानी कि पिक्चर में सभी चीज़ें है वो दिखाई दे रही है। मैट और पॉट वो नहीं है यहाँ पे, मैट पॉट रोज मैट और पॉट नहीं है, तीन वस्तु यहाँ पे नहीं है। चलिए आगे, जॉइन द डॉट्स फ्रॉम ए टू जेड एंड सी व्हाट यू कैन क्रिएट। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ए टू जेड को जॉइंट करना है, देखिए यहाँ ऊपर ए है, बी सी डी, यहाँ पे आपको जॉइंट कर देना है ऐसे, तो हमें बटरफ्लाई देखने को मिलेगा, बटरफ्लाई। इन द गिवन स्पेस ट्रेस द रेनबो एंड कलर इट। फ्रेंड्स आपको ये रेनबो को ट्रेस कर देना है यहाँ पर ऐसे ऐसे आपको, और उसमें यहाँ पे सब में कलर कर देना है।
से अलाउड द नेम्स ऑफ द कलर ऑन द रेनबो, और रेनबो के ऊपर वो कलर आपको बोल रहे हैं। चलिए लेट्स राइट एस टी यू वी। फ्रेंड्स एस इसे एस कहते हैं, ए टी है, ए यू और वी, इन सभी को आपको ट्रेस कर देना है। ठीक है, चलिए लेट्स मेक रीडर यूज एम और हैव। सिर्फ एम और हैव का यूज करके हमें, एम और हैव का यूज करके हमें पोएम बनानी है। तो चलिए बनाते हैं। आई एम यहाँ पे आएगा, आई एम वाइट इन कलर, जो ये शिफ्ट होता है वो कलर में वाइट होता है। आई हैव मेरे पास, अगर आपका पास कुछ है तो आपको हैव लगाना है, हैव टू आईज। उसके बाद आई हैव फोर लेग्स एंड शॉर्ट टेल, मेरे पास चार पांव और एक पूंछ है। उसके बाद आई हैव वूल ऑन मी, मेरे पास जो मेरे शरीर में से वूल निकलता है। और लास्ट में है व्हाट एम आई, व्हाट एम आई मैं क्या हूं, तो ये है शिप, ये शिप है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 9 यूनिट 9 कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।